आजादी के बाद बापू ने ग्राम स्वराज की कल्पना की थी, जिस पर चलकर राम राज्य तक पहुंचा जा सके। इसी आधार पर ग्राम पंचायत को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समय समय पर कई कानून राष्ट्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए, लेकिन उनका परिणाम आजादी के इतने वर्षों बाद भी शून्य है। कई योजनाओं के माध्यम से भारत सरकार और राज्य सरकारें गाँवों के विकास के लिए लगातार धन व्यय करती चली आ रही है, लेकिन गाँवों की हालत जस की तस है। ना नालियां बनी, ना रास्ते, ना शौचालय, ना आवास और ना पीने का पानी और ना ही शिक्षा, क्योंकि इन योजनाओं के साथ ही एक गठजोड़ प्रधान और पंचायत सचिव से लेकर जिले तक तैयार हो गया, जिसने विकास के लिए आई धनराशि को गायब करने के लिए ऐसे नायाब तरीके निकाले। शपथ पत्र के साथ शिकायतकर्ताओं ने यह आरोप लगाया कि हैंडपंप, खंजर, सीमेंट पाइप की खरीद, जूनियर और प्राथमिक विद्यालय की चार दीवारी के निर्माण के नाम पर, समर सेबिल पंप के नाम पर, डस्टबिन के नाम पर, कायाकल्प योजना के नाम से, खंडे सीसी मार्ग निर्मा के नाम पर, सड़क और प्लास्टर के नाम पर कई बार में 30 लाख से अधिक की धनराशि आहरित करके फर्जी वाउचर लगाए गए। शिकायत पत्र में बिंदुवार उल्लेख की गई धनराशि और योजना का नाम भी अंकित है। ग्रामीणों ने किसी जिला स्तर के अधिकारी से जांच की मांग की है, क्योंकि विकास खंड स्तर के अधिकारी भी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, इसलिए निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। अच्छा, कौन गाँव है आपको? पदूरा। अच्छा, लेटरिन आपकी आई थी, शौचालय? हाँ आए थे, लगे प्रधान ने तुड़वा दिया किताब पे, पैसा नहीं आया। वो कहा पैसा क्यों तुड़वा, क्यों थी प्रधान ने? कहीं के पैसा नहीं आया तो हम कहाँ से दे दे, जब पैसा आएगा लेटरिन तभी तो ले देंगे। नहीं, हमने सुना कि प्रधान पैसा मांग रहा था आपसे शौचालय का, तो हमने कहा कि किताब लेके चेक कर दियो, जब आई बहन आई थी तो कहाँ से चको में तो नहीं मिला। अच्छा, जब चेक भी किया किताब। आपको शौचालय नहीं मिला? नहीं मिला। डाला फार्म में? डाला कैसे डाला? फार्म डाला अभी। कितने कितने दिन हो गए? 3 साल हो जा रहे हैं। आपको भी शौचालय नहीं मिला? नहीं मिला। आप कैसे कैसे क्या बाहर जाते हैं खेतों में? क्या नाम बताया आपने? गीतेश कुमार।